मक्खन को लेकर के न
मंदिर के यहाँ जाती थी, वहाँ पहुँचाती थी, वहाँ पर बेचती थी। इसीलिए कृष्ण भगवान सोचते थे कि हमारे इस गोकुल के लोग जो हैं वो खास पी करके खुश रहे, और मथुरा के लोग में वहाँ पर कंस का राज्य है और कंस बड़ा ही क्रूर है, तो इसलिए वो जाते घर में और मक्खन को चुराते और मटकी को फोड़ भी देते इसी क्रोध में। एक दिन गए और एक घर में गए, घर में जा करके जब मक्खन को चुरा रहे थे एक बच्चे के ऊपर एक बैठ करके, एक बच्चे के ऊपर बैठ करके और ऊपर जो सिंघार था उसको लेकर के, और जैसे ही हाथ डाला वैसे ही जिसका सर था वो ग्वाली आ गई और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। अब पकड़ करके कहा चलिए, रोज तो चुराते थे नहीं पकड़ में आते थे, आज पकड़ में आए हैं, चलो ले चलते हैं, अब हम यशोदा मैया के पास ले चलती हूँ। भगवान कुछ नहीं बोले, ले चलो ले चलो। जब वहाँ गई, जब वहाँ पर पहुँची तो क्या देखती है, उन्होंने कहा यशोदा मैया से उस ग्वालियर ने कि देखिए आप कहते हैं कि हमारा दादा जो है वो मक्खन को नहीं चुराता, लेकिन देखिए आपके कांजे को काना को मैं पकड़ करके आज ले आई हूँ, देखिए मक्खन चुराता। और जब यशोदा माता ने देखा तो उस ग्वालियर का पति ही अपने पति का हाथ पकड़े थे, भगवान कृष्ण रूप परिवर्तित करके उसके पति के रूप में आ गए। और यशोदा माँ कहते हैं उस ग्वालियर से, अरे पागल हो गई हो क्या, ये वो कौन है, ये तो तुम्हारे पति हैं और इनको पकड़ के ले आई हो, तुम कहते कि हमारा बच्चा हमारा छोटा सा ये कृष्ण जो है तुम्हारे माता को चुराता है, तो वह जो है लज्जित हो गया। भगवान कहते हैं कि इसी तरह से एक यशोदा माँ उनको समझाने लगी, कहते हैं कि छोड़ी माखन की बेचो कन्हैया मैं समझाऊं तो, छोड़ी माखन की बेचो कन्हैया था, लेकिन सबसे पहले श्री राधा जी से ही भगवान
भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। एक दिन की बात, जो भगवान कृष्ण बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे, तब की बात है, भांडे नामक वन में नंद जी उनको घुमाने के लिए गए और जब वहां गए तो इतनी जोर से आंधी आई कि नंद बाबा दूसरी जगह हो गए और भगवान कृष्ण दूसरी जगह हो गए। उसी समय वहां पर एक ज्योति आकाश से जलती हुई आई और जब पृथ्वी पर वह ज्योति आई तो राधा जी वहां पर प्रकट हो गई। बोल से राधा माता की जय। और राधा जी की उम्र कितनी थी? 18 साल। और श्री कृष्ण की 28 साल। तब राधा जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं 18 साल की हूँ, आप भी 18 साल के बन जाइए। भगवान कृष्ण 18 साल के वहां बनते हैं और उसके बाद वहां पर ब्रह्मा जी शादी का संपूर्ण सामान लेकर के आते हैं। ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान करके भगवान कृष्ण और राधा जी की शादी वहां पर करा दिया। गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है। बोले से राधा कृष्ण भगवान की। इस तरह से अनेक लीलाएं करते हुए और अनेक राक्षसों, जैसे जिसको कंस ने पठाया था, अनेक राक्षसों का बकासुर, धेनुकासुर, अजासुर आदि अनेक राक्षसों का भगवान कृष्ण ने वध किया। और इस तरह से भगवान कृष्ण लीला करते करते एक दिन की बात, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित जी, एक तो पवनम राजन जगमुह तो कुमार का विहर तुम शाम प्रतुम चारु भानु गदा देह। हे परीक्षित जी, एक दिन शाम प्रदुम चारु भानु और गद आदि जितने भी यदुवंशी हैं वे घूमने के लिए एक उपवन में गए और वहां पर बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। जब प्यास लग गई तो जल की खोज में वे एक कुएं के पास गए और देखा तो उस कुएं में जल नहीं था, एक बड़ा विचित्र जीव उसमें दिखाई पड़ा। वह जीव विशाल आकार का गिरगिट था, इसे गिरगिटान कहते हैं। वह गिरगिट था और बहुत बड़े आकार में था। उस विशाल सभी राजकुमार उस कुएं से उसे निकालने लगे लेकिन निकाल नहीं सके। तब उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर के यह वृतांत बताया। भगवान कृष्ण वहां पर आए और खेल खेल में उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही वह जो गिरगिटान था, गिरगिट था, वह एक देवता का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर सोने के समान चमकने का और वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर के, यद्यपि श्री कृष्ण भगवान उसे जानते थे फिर भी उसका नाम सभी लोग जान जाए, भगवान कृष्ण ने उससे पूछा। क्या कहा? कि दशमीमां वा कंकतरेण कर्मणा संप्रापितो हर्षतः दुष्भक्तः आत्मानाभिमज्ञाय विशेषिताम् नोरिन्दं च सममनोरथम्। भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कल्याणमूर्ति, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। यदि तुम अपना वृतांत उचित बताना समझते हो तो हमें बताइए। भगवान कृष्ण के पूछने पर वह प्रणाम करके कहने लगा कि मैं इक्ष्वाकु वंश का पुत्र राजा नृग, उसका नाम था नृग, मैंने बहुत सिखाया जिसके सींग में सोना और फूलों में चांदी और मणि से ब्राह्मणों को दान में दिया था और उस गिरगिटान जो अब मनुष्य के रूप में आया था, मनुष्य क्या बल्कि आभूषणों से युक्त देव रूप में था, उसने बताया कि मैंने बहुत सी गायों को दान दिया है। एक दिन एक गाय जो है वह बिछड़ करके दूसरी जगह चली गई और मैंने यहाँ पर ब्राह्मणों को दान दिया, वह गाय भी आकर के उसमें मिल गई और वह गाय दूसरे ब्राह्मण की थी, जब यहाँ पर गिरी तो उस गाय को
और जब वह ब्राह्मण सब लेकर के गाय जाने लगे तो वह जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने जब उस गाय को देखा तो वह गाय को लेकर के भगवान इनके राजा के पास आया। राजा जी के पास वह ब्राह्मण आया, उसने कहा कि मेरी गाय है और इस मेरी गाय को तुमने दान में दे दिया। राजा ने कहा, राजा ध्रुव ने कहा कि हे पिपरदेव, आप एक गाय के बदले मुझसे 10 गाय दे दीजिए, लेकिन मैंने दान दे दिया है तो इस गाय को जाने दीजिए। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं लूंगा तो वही गाय लूंगा, और इस कारण एक बार दान में देने पर दोबारा दान देने के कारण राजा को गिरगिट के योनि में आना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि करमांग पिटारे नाही करी, करमांग पिटारे नाही करी।
कौन है साथ पाया है।